मतलब हम लेसन पढ़ेंगे ना तब समझाएंगे, ठीक है मम्मा के अंकुर और मैं हूँ दादाजी। नहीं मैं दादाजी हूँ और आप अंकुर हो, या टेल मी टेल जैसे बोलोगे आप अंकुर और मैं दादाजी। ओके ओके दादाजी, चलो अब देखिए हम कैसे डायलॉग बाजी करेंगे है और दादाजी को सिखाएंगे कबड्डी। चलिए हाँ दादाजी, अच्छा पहले हाँ अंकुर। दादाजी दादाजी। हाँ बेटा हाँ बेटा। हमारे विद्यालय में कबड्डी के लिए मैच के लिए ना खिलाड़ियों को चुनाव होना है। अच्छा बेटा। अरे वाह, लेके बेटा उसे कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं। कबड्डी? मैंने सोचा कबड्डी बोलते हैं। नहीं वो गलत होता है। ओके दादू आगे से मैं ना कबड्डी ही बोलूंगा, कबड्डी बोलू ना कबड्डी बेटा कबड्डी। ओके दादू, अब दादू मैं पढ़ू बेटा। अच्छा कबड्डी कबड्डी तो क्या दादाजी आप इस खेल के बारे में जानते हो? आपने कभी नाम सुना है? हाँ मैंने बहुत बार सुना है। और जब हम तुम्हारे छोटे थे दादू पढ़ लो, दादू पढ़ के बोल लो इसमें। बेटा यह खेल बहुत पुराना है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यह खेल खूब खेलता था। पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गांव तक ही सीमित था, किंतु अब तो यह ऑस्ट्रेलिया सतर पर भी दादू ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सतर है। दादू आप कौन से स्कूल में पढ़े थे? आप हिंदी भी प्रॉपर ना पढ़ते हो। अच्छा बेटा ये दादू ऑस्ट्रेलिया ना है, अंतर्राष्ट्रीय है। सॉरी सॉरी बेटा। दादू सॉरी का कोई चक्कर ना, हिंदी पढ़ने लग रहे हैं हम। आप बोलो दादू ये खेल इतना पुराना है? हाँ ये खेल बहुत पुराना है। तो क्या आप गांव में ये खेल खेलते थे? हाँ मैं गांव में खेलता था। अभी तो बता, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ये खेल गांव में खेलता था। दादू अब तो घने टैलेंटेड थे। आगे अच्छा, नहीं अब मैं तो नहीं, पर बच्चे और जब दादू ये तो लाइन आपकी थी ये मैं जो बोल गई। नहीं अब मैं तो नहीं, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं। दादू आप भी अभी जवान हो, इतने बूढ़े ना हो, खेल सकते हो, खेल लिया करो। दादू बेटा दादू खेला करो आप, आज हम कबड्डी कबड्डी खेलने वाले हैं। नहीं 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 ठीक है ठीक है, मारनी पड़ेगी। दादू दादू की तरह बिहेव करो, ये ऐसे 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 मत करो। अंकुर बेटा ऐसे मत करना। तो दादू आप कर रहे हो मेरे को गलती तो सिखा रहे हो। ये बताओ ये वाला। अच्छा तो दादू ये बताओ ये खेल कहाँ कहाँ खेला जाता है? ये खेल नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है। बांग्लादेश का तो यह राष्ट्रीय खेल है। दादू ये राष्ट्रीय खेल क्यों है, क्या हुआ है इसको बताओ। राष्ट्रीय खेल ये होता है जैसे कि हमारा राष्ट्रीय खेल नेशनल है खेल है हॉकी, ऐसे ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। दादू आप तो बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो, चरण का स्पर्श कर दो दादू, मैं तो आपका फैन हो गया। आगे बढ़े अंकुर बेटा। दादू थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अभी मैं दादू बनूंगा आप अंकुर बन लो। ठीक है बेटा। बिल्कुल सही, अब तो कबड्डी में आप दादा नहीं हो, अब मैं दादा हूँ आप अंकुर हो। ये पढ़ो बेटा दादू दादू। अच्छा यहाँ से पढ़ोगे? अरे मुझे तो यह पता
नहीं नहीं नहीं, अब हम दादू रोल प्ले दादू अब हम ना थोड़ा चेंज करेंगे क्या, अब मैं दादू और आप अंकुर बन जाओ, ठीक है क्या? चलो मैं दादू, मैं बोलू चलो पढ़ो, ठीक है मैं वापस से यहाँ पे आए हो अंकुर। अरे मुझे तो यह पता ही नहीं था, आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? हाँ बेटा क्यों नहीं बता सकता, देखो राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। बेटे इनमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? बेटा आपको नहीं पता, सात सात खिलाड़ी खेल सकते हैं, एक टीम में सात खिलाड़ी हुए। अच्छा हाँ, और पांच पांच रिजर्व होते हैं, पांच एवेजी खिलाड़ी। यस सॉरी, हिंदी नहीं, हमने इंग्लिश नहीं बोली, हिंदी में ही बात करेंगे। हाँ। इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है? बेटा दोनों टीमों को 20-20 मिनट का टाइम दिया जाए, 20 मिनट। अच्छा। बस इतना सा समय? दादाजी इस खेल के बारे में और बताए ना। बेटा इस अब ना काम कर ले दादा। नहीं। हाँ बेटा थक गया दादा, अब ऐसा कर तू भी खेला नीचे जाके, और ये बाकी का बताऊंगा कल। अच्छा? ठीक है। दादाजी तो काम नहीं करते हैं, चल 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 अब बोल, अगर हमारा दादा पोते का रोल अच्छा लगे तो। अगर दादा पोते का अच्छा लगे रोल तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फैमिली ट्यूब। यस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।